मेरा नाम प्रकाश बलवंत सैनी। जी हाँ, ये मेरी फिल्म मैंने डायरेक्ट की है एज ए डायरेक्टर। ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है। सब्जेक्ट जो है फिल्म का वो बहुत ही सीरियस है, लेकिन एक कॉमेडी वे में दिखाने की कोशिश की है। इसमें मेन किरदार हैं दीपक डोगरियाल, जो कि आई थिंक पहली बार वो स्क्रीन पर एक मुन्ना सुपारी के करेक्टर के नाम से जाने जाएंगे, तो ये इसमें रोल कर रहे हैं। और एक है तरुण बजाज, जो कि बंटी चोर है एक करेक्टर, वो कर रहे हैं। वरुण मेहरा, जो कि मैक्सिमम शहर से तड़ी पार रहते हैं, एक करेक्टर वो कर रहे हैं। एक लाइन में बात करें तो ये बोल सकते हैं एक्शन कॉमेडी बेस्ड ऑन फेक एनकाउंटर पर है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, सब्जेक्ट सीरियस है, उसको एक कॉमेडी वे में हमने दिखाया है ऑडियंस को। वो ऑडियंस के रिएक्शन देखने के आप हैं जी। नहीं, इंस्पायर्ड नहीं है, ये बुरी तरह से फिक्शन है। मैं आपको बताऊं, इंस्पायर्ड किसी से भी नहीं है। हाँ, जो करेक्टर हैं उनसे मैं इंस्पायर्ड ज़रूर था, जो छोटे मोटे दिल्ली में जो करेक्टर है। मैंने एक बार दिल्ली गया था जब देखे थे, तो मेरे जो राइटर हैं तरुण बजाज, तो उनको मैंने आके मतलब बताया कि ऐसे ऐसे स्टोरी मैं चाहता हूँ एक, तो हमने मिलकर स्टार्ट की लिखना। करीब 1.5 साल लग गए स्टोरी लिखने में। फिर उसके बाद में जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया, हमने पढ़ा और लोगों को भी पढ़वाया, तो सबको अच्छा लगा। फिल्म में सर 4 गाने हैं, और इसमें जावेद अली, ऋतु पाठा, तरन्नुम, साधु सुशील तिवारी, ये सिंगर्स हैं। मेरा नाम संजय पाठक है, मैं एज ए म्यूज़िक कंपोजर हूँ फिल्म में। और इसमें मेरा एक ही सॉन्ग है आइटम नंबर, जो समस्या अभी देश में चल रही थी महंगाई की, तो कहीं ना कहीं इस आइटम नंबर में भी दिखाया गया है, बताया गया है कि आज महंगाई में आइटम करने वाली भी महंगी हो गई है। तो उस तरह से जो बहुत पैपी नंबर है, आज के स्टाइल का सॉन्ग है, और जिसको तरन्नुम मलिक जी ने गाया हुआ है, और बहुत अच्छे से मेरे जो फ्रेंड हैं, भाई हैं, प्रकाश सैनी जी डायरेक्टर, उन्होंने इसको बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन दिया हुआ है। शुक्रिया।